Hotstar.com, विश्वास वही रफ्तार नई। कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया थम गई, जो जहां था वहीं रुक गया। इस दौरान विकास का पहिया भी थम गया। लॉकडाउन और पाबंदियों ने कई विकास योजनाओं को लगभग बर्बाद कर दिया। बंद आर्थिक गतिविधियों ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया। झारखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर ने खूब तबाही मचाई। इस दौरान कई विकास की योजनाओं पर काफी बुरा असर हुआ है। वहीं इस दौरान विकास योजनाओं पर 50% भी खर्च नहीं हो पाए हैं। झारखंड सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 5 महीने में विकास योजनाओं पर 8,635 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो तय लक्ष्य से काफी कम है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष में विकास योजनाओं पर 53,333 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले विकास योजनाओं पर खर्च की गई रकम मात्र 16.19% ही है। झारखंड सरकार ने चालू वित्त वर्ष यानी 2021 और 2022 के कुल 91,277 करोड़ रुपए के बजट में से विकास योजनाओं पर 53,333 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इस रकम में राज्य सरकार की तरफ से 37,008.08 करोड़ रुपए और केंद्रीय योजना मद में 16,325 करोड़ 57 लाख रुपए का प्रावधान है। इस हिसाब से देखें तो सरकार के वर्कर्स डिपार्टमेंट ने योजना के मुकाबले 7 से 28% रकम ही खर्च करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि अब हालात सुधर रहे हैं, जिसे देखते हुए विकास की गति बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आर्थिक गतिविधियां चालू हो रही हैं, पाबंदियां हट रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में ये आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। दूसरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।